सरदार साहब, इसाक डार के खिलाफ जो असासे मुंजमित करने का हुक्म दे दिया गया है, उनके अपने असासे तो अब सील हो रहे हैं, लेकिन वो मुल्क के खजाने पर तो वैसे ही मौजूद हैं, डीसील भी नहीं हो रहे हैं, उतर भी नहीं रहे हैं, तो क्या मॉरल ग्राउंड पे जिम्मेदारी क्या बनती है उनकी? और सरदार साहब, आप लोग क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, ये बात मेरी कम अज़ कम समझ से बाहर है, और मैंने इस पर बड़ी दोस्तों से बातें की हैं, मुझसे ज़्यादा अकलमंद लोगों से मैंने दरियाफ्त करने की कोशिश की है कि क्या समझते हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि सियासत का तकाजा, इखलाकियात का तकाजा ये है कि जब इनके ऊपर ये इतने संगीन केस बने थे, वो 5 मिनट उन्हें उस मनसब पे नहीं बैठना चाहिए था। 5 मिनट बैठना भी मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल होता है, और वो बैठे हैं, वो जाने को तैयार ही नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है, ये मेरी अपना मेरा ख्याल है, कि मियां नवाज शरीफ साहब के या उनके ख़ानदान के कोई ऐसे इंटरेस्ट हैं, कोई ऐसे उनकी बिजनेस इंटरेस्ट हैं जिनमें इसहाक डार साहब का वज़ीर ख़जाना रहना ज़रूरी है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को तहफ़ देने के लिए, फाइनेंशियल इंटरेस्ट को, वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं।